यम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। रिश्तेदारी में गई एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ किया बलात्कार। लड़की के परिजनों ने दी रेप की जानकारी। रिश्तेदार लगे मामले को निपटाने में। दरअसल मामला नरसेना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर रिश्तेदार के यहां गई एक 13 वर्षीय मासूम के साथ उसी के रिश्तेदार के एक 25 वर्षीय युवक ने जबरन कमरे में खींचकर दरिंदगी की, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। होश में आने के बाद लड़की ने घटना की जानकारी रिश्तेदारों को दी, तो रिश्तेदारों ने लड़की को घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं देने की बात कहकर धमकाया। घर पर पहुंचने पर पीड़िता ने परिजनों को उसके साथ की गई दरिंदगी के बारे में बताया, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके पीड़िता को मेडिकल के लिए बुलंद शहर भेज दिया है। क्या नाम है बेटा आपका? काजल। और अभी क्या दिक्कत हुई थी आपके साथ? मैं नल पर नहाई थी तो एक मेरी बुआ के जेठ का लड़का आया था बुआ के घर पर। अच्छा। तो उसने, मैं सिर धो रही थी, शैम्पू लग रहा था मेरे सिर में, तो उसने किवाड़ लगा के मुझे खींच के ले गया था नल पे से अंदर को। फिर उसने मैं धकेल के मारी थी खट पे। अच्छा। फिर उसने मेरी पजामियाँ उतारी थी। अच्छा। फिर बेटा रो मत बेटा, बताओ। जनपद बुलंदशहर में मासूमों के साथ दरिंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जनपद बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर रिश्तेदारी में गई हुई एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रिश्तेदारी के ही एक युवक ने दुराचार किया है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से लगातार बुलंदशहर में नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव से, जहां पर रिश्तेदारी में गई हुई एक युवती के साथ में उसी के रिश्तेदारी के 25 वर्षीय युवक ने जो है बलात्कार किया। फिलहाल युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजन मामले की शिकायत लेकर के थाना नरसेना में पहुंचे हैं। पुलिस ने तहरीर लेकर के आगे की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन रमेश के साथ अमित राणा, ज्ञान न्यूज़ बुलंदशहर। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे ज्ञान न्यूज़ के साथ।